गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टीरन द हिमाचली ब्लॉगर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस यू ऑल आर वेल। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। सो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो अभी हमने जस्ट सुबह उठ के देखा, बहुत ही मस्त व्यू है। मैं सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, बट यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ। ऊपर ऊपर जो है, जो हमारा ऊपर वाला घर था वहाँ पे भी स्नोफॉल हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा। तो बहुत ही मस्त व्यू लग रहा है यहाँ से देखने में, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मस्त। सो एकदम फ्रेश फ्रेश हवा चली हुई है इस टाइम पे। सो आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पे। कल तो आपने, जैसे हम दादी के घर गए थे तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, तो मैं सोचा चलो यहाँ पे भी शूट कर लेते हैं। किशु दादू दादी के साथ खेल रहा है यहाँ पे, मैंने लकड़ियाँ स्टोर करी होती हैं तो आप पे। और हमारे घर के सामने बिल्कुल यहाँ से इस तरह का व्यू दिखता है, बहुत ही मस्त व्यू दिखता है। सो आप देख सकते हो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में जब हम सुबह उठे तो बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे भी हो जाता तो अच्छा था। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से कितना मस्त, एक बहुत मस्त व्यू दिख रहा है। और अब मैं अपने हस्बैंड को उठाने जा रही हूँ, क्योंकि वो मतलब उनको चाहे 10 बजे तक नहीं उठाएंगे तो सोए रहेंगे। अभी मैं उठाने जाऊँगी, मुझे पता है वो बोलेंगे मैं इस रात को सोया नहीं हूँ अच्छे से, कृष्ण ने मेरे को सोने नहीं दिया। बस इनका यही डायलॉग होता है हमेशा का। चलो अब देखते हैं क्या बोलते हैं। हम लोग इस रूम में सोए होते हैं और मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं। पतिदेव उठ जाओ, 10 बज रहे हैं। सो आप देख सकते हो 70 आदमी यहाँ पे अभी तक सो रहे हैं। मैं कुछ सुबह सुबह उठ गए थे और मैं अब झाड़ू लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि कल तो हमारे यहाँ से वापसी है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मम्मी वगैरह ऊपर बैठे हुए हैं, किचन में आग सेक रहे हैं। और पतिदेव को उठा ही देती हूँ। ओह हेलो, उठ जा। गुल्ली ने सोने नहीं दिया। लो मैं साफ कर देती हूँ। तो देखो कहाँ है बेबी? बेबी कहाँ? छोटा बेबी, छोटा बेबी कहाँ है? मिलो अब, कर दो सबको हेलो हाय, कर दो कर दो कर दो हेलो हाय। किशु को सुबह सुबह लगा था कि सुबह सुबह आ गया कि उसके पास जाना है। इसका नाम, इसका नाम क्या है किशु? इसका नाम क्या है? तारू। अच्छा, इसका नाम तारू है। और इसका क्या नाम है? इसका ये एक काऊ है। हाँ ये तारू है। अच्छा, और इसका नाम क्या है? एक काऊ है। कौन है छोटा बेबी? ये छोटा बेबी, आ जाओ छोटा बेबी के पास। कहाँ है छोटा बेबी? शो मी वेयर छोटा बेबी। ओ वाओ, छोटा बेबी सो क्यूट। बेबी सो क्यूट है ना किशु? बेबी सो क्यूट बेबी। छोटा बेबी बोलो हेलो बेबी, हेलो कर दो बेबी। कहाँ? ओ ऑक्स ऑक्स। छोटे बेबी का नाम क्या है किशु? छोटे बेबी का नाम क्या है? छोटे बेबी का नाम क्या है? छोटे बेबी लुक लुक हियर। ओ क्या खा रही है ये? खाना खा रही है। ओ बाय बेबी। छोटे बेबी को भी बाय कर दो ना। बाय, सी यू सून। ओके ओके ओके। तो गाइस आप देख सकते हो पापा जो वो त्रिकोड़ू सेक रहे आग में, और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। जैसे हम लोग इसको अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में जो है त्रिकोड़ू बोलते हैं। किशु इधर इधर इधर। ना ना देख सकते हो यहाँ से सन की रेज आ रही है, और यहाँ से हमारा ये किचन के लिए ये मतलब एक तरह का वो रखा हुआ है होल, ताकि लाइट वगैरह ना हो तो रोशनी आराम से पहुंच सके। और यहाँ से बहुत ही मस्त किचन से आप देख सकते हो हमारे कितना मस्त व्यू दिखता है ऊपर के लिए। ये देखो इस तरह से व्यू दिखता है कुछ। और अभी जस्ट सनराइज हुआ है तो सारे धूप में बैठे हैं और हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं। पानी गर्म हो रहा है ये, और किशु को बस यही लगा हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप देख सकते हो, ये देखो अब तो सीख गया ये।
गाइस ये है कद्दू के बनाए हुए हैं, इसको मतलब काटते हैं और उसके बाद जो है मतलब कोई भी पैन वगैरह इस तरह का पतीला होता है उसमें जो है इनको डालते हैं इस तरह से काट के, फिर मतलब ऐसे बॉईल करते हैं आधा घंटा और फिर इस तरह के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और हम लोग जो है इसको मतलब सर्दी में खाते हैं मतलब, और बहुत ही टेस्टी। और इसका जो ऊपर वाला होता है इसको हम निकाल लेते हैं और फिर इसको खाते हैं। आजा कैसा टेस्ट होता है इसका, यामी। यामी नहीं टेस्ट किसकी, पपाया की तरह देता, थोड़ा सा हल्का सा, पर तो बहुत टेस्टी होता है। आप देख सकते हो इस तरह की शेप है ये, इस तरह से काटते हैं इसको, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर किशु कर रहा है मौज मस्ती दादी के साथ, अंदर जा रहा है दादी को तंग कर रहा है, फिर भाग रहा है बाहर की तरफ, फिर दादी को तंग कर रहा है, फिर बाहर की तरफ आ रहा है। सो आप देख सकते हो, देखना फिर से बाहर आ जाएगा ये, इसका यही चला हुआ है कल का, यही कर ही जा रहा है। ये देखो आ गया बाहर अब फिर से अंदर जाएगा, फिर से रूम में जाएगा, फिर से दादी को कुछ करके आएगा, फिर भागेगा। सुबह से यही काम चला हुआ है किशु का। नहीं नहीं की किशु, अब ऑयल लगाना है किशु को, तेल लगाएंगे दादी लगाना। बस ठंडू लगा नहीं लगा ठंडू बस। तो अब हम बना रहे हैं फैनिया, क्योंकि किशु बोल रहा था कि फैनिया खानी है, फैनिया खानी, तो अब बना रहे हैं फैनी। गाइस हमने बबरू बनाने के लिए जो डो है वो तैयार कर दिया, तो इसको पूरा गर्म करके रखा हुआ है, ऊपर चादर बिछाई उसकी ताकि गर्म रहे और जो बबरू वो अच्छे से बने। आपकी लैंग्वेज में पूरी हम बोलते होंगे कुछ एक। और ये हमने खिचड़ी रख दिया, चावल और माँ की खिचड़ी बन रही है कल के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति है। आप क्या कर रहे हो अभी? कौन ये डाल रही मैं, क्या बोलते हैं इसको, ये जो मक्के के वो होते हैं ना, इस पे कॉर्न होते हैं, उसको निकाला है तो फिर जो बच जाता है इसको मतलब एज अ जलाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉर्न लगे थे इस पे। सो इससे आग बड़ी अच्छी जलती है, तो आप देख ही सकते हो, देखो डाल के एकदम मस्त वो आ रहा है। किशु भी आ गया, किशु क्या बना रहा है, किशु क्या बना रहे पापा को बताओ। पप्पू किसके लिए? पप्पू नहीं बेबी के लिए। ऐसे बनाते बेबी, मम्मा बेबी ना किने खा रहा। हाँ वाह गर्म बोल दे, इको नहीं इको नहीं इकाने बोलता थी पप्पू। हाँ जी क्या हो गया? आते जुबरू अब बाद में पुत्र, दादा के नाम दे, दादा दादा बोलते आ जाओ बच्चू आ जाओ, दादा आ जाओ वाह। ये देखो 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 किशु की फर्स्ट स्नोफॉल, ये स्नो गिर रही है, स्नो गिर रही है, स्नो गिर रही है बेबी। हाँ चिंगी वैली है, देखो ना ये देख अभी टिक नहीं रही है ना, बाद में स्नो देख, इधर टिक गई स्नो है, ये देखे टिक गई ना स्नो, देखो ऊपर से स्नो आ रही है। वाह किशु किशु दिखाओ फ्रेंडू दिखाओ,
पूछोगे क्या पिटिगी स्नो? स्नो बेटा जिंगल बेल नहीं, स्नो है ये, स्नो। चलो 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 अंदर चलो, ठंडी लग जाएगी, आ जाओ। नो जिंगल बेल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नो जिंगल बेल,